गाइस घर से निकलते हमें एक ऐसी न्यूज मिली है जो कि अच्छी भी है बुरी भी। और आपको याद होगा मैंने एक ऑरा हीलिंग के लिए बताया था व्लॉग में। हेलो चलो दीदी थैंक यू। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। और रात की मेहंदी का रंग नहीं आया क्योंकि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। व्हाट इसलिए है ना सुधीर अगर मेहंदी का रंग ओ चांदनी तो तुझसे खूब प्यार करती है। अच्छा बता अगर मेहंदी का रंग नहीं आता तो इसका मतलब क्या है? जल्दी बोल लखन सो रहा है नहीं पता चल रहा बोल। प्यार नहीं करते। वेरी गुड। तो भाई किसी की पैकिंग हो ना हो हमारी गुजी और ब्राउनी की सबसे पहले तो यहाँ पर उनके बैग पैक हो चुके हैं। और ब्लैंकेट्स का है वो उधर रखे रूम। जल्दी जाओ रखो। तो हम टोटल 18 लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारी शादी दोबारा से हो रही है बिकॉज इतने सारे लोग हमारी टीम मेंबर्स हमारे सुधीर हमारे कुक भैया सब हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग ये ना एक ये बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब मैंने हम लोगों ने ऐसा ट्रिप नहीं लिया है तो ये ट्रिप बहुत इम्पॉर्टेंट था। लखन लखन ना कर जाओगे सच में? तुम आलसी और ना हो? ये देखें मंदिर के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर सुबह सुबह। गुड बच्चों वेरी गुड। मम्मा से कुछ अच्छी आदतें सीख ली है तुमने उन्होंने। कौन आया देखते हैं कौन है। तुम दोनों साथ कैसे गए? नहीं मैं तो इन्हें पूनम दीदी को लाया हूं। और तुम दोनों को नहीं है न्यूज़पेपर नहीं देखे हमारे? हमारे हाँ तुम्हें नहीं पता हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं? न्यूज़पेपर कौन पढ़ने लगे? सुधीर तू पढ़ता है तूने बताया नहीं हमको? डेली पढ़ता हूं। अब तुम्हें पता है सुधीर मुझे पढ़ के दिखा। चल 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 चढ़ा गजब बेइज्जती। नहीं सुधीर अब से जिम भी जाएगा कह रहा भैया कैसे पेट निकलता हुआ देख मुझे शर्म आती है मैं भी जिम जाऊंगा। तो हमारे अर्जुन भैया सुबह सुबह आ गए। भैया क्या बना रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। आलू जीरा पराठे। तो भैया हमें नॉन स्टॉप जाना है तो ऐसे बनाना कि राजू भैया आप सुन लो अलग अलग पैक करना क्योंकि सबकी गाड़ियाँ अलग अलग है तो हम रास्ते में खाते खाते जाएंगे। ठीक है सैंडी बता दियो कौन सी गाड़ी में कौन बैठ रहा है ताकि उसी हिसाब से वो भैया पैक कर रहे सबके लंच। तो भाई हमारा लजीज खाना चाय सुधीर जा रहा है गुची को घुमाने जल्दी घुमा रहे और नहा के जाना है। यार मैं 4:30 की उठी हूँ लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी इतनी ठंड लग रही थी कि मैं ब्लैंकेट के बाहर नहीं निकली। और लखन इतना चालू ये देखो लखन तुम बहुत चालू मैं ये इस ब्लैंकेट में पूरी रात पड़ी रही और वो उस ब्लैंकेट में पूरी रात। लखन तुम बहुत चालू सच में मैंने पूरे हाथ पैरों में मेहंदी लगाई तो आप समझ सकते हो कि मेहंदी लगाने के बाद तो ठंड और लगती है। तो मेरा सिर्फ वही हाल था इतनी ठंड लग रही थी तब भी मैंने मैनेज किया किसी भी तरह गुची को हग किया ब्राउनी को हग किया और फिर मैं सोई। जैसे मैं सुबह उठी ना 4:30 बजे का यार कभी मैं हमारा प्लान 6 बजे बना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता लखन की वजह से लेट ही होंगे तो इसलिए मैंने बोला चलो मैं लेट ही रहती हूँ और फोन स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो गाइस हम लोग आए हैं पाई से मिलने। पाई को फूड पॉइजनिंग हो गया समोसे ज़्यादा खा लिए एक साथ तीन समोसे खा लिए। भाई मानते नहीं है पाई का ना जुबान पे तो कंट्रोल है ही नहीं ना बोलने में ना खाने में। अरे लेटे हुए के पैर नहीं छूते। So guys, हम लोग रेडी हो चुके हैं घर से निकल रहे हैं। एक चीज़ इधर आओ। सुन वो सॉरी मैंने केक पहले काट दिया मुझे पता नहीं था। प्रीतिमा आंटी सबसे पहले हमें विश करती है चाहे कोई नहीं करता हमें सबसे पहले विश सिर्फ आंटी करती है सच बता रही हूँ। ये देखो उन्होंने लिखा लखनीत फॉरएवर मैंने कल ही काट के खा भी गया। तो ये बहुत गलत बात है। अरे मुझे कोई नहीं अब केक इतना टेस्टी भेजोगी आंटी जी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन सच में बहुत टेस्टी था सैंडी भी बोला पुनीत भी बोला मैंने सबको खिलाया है। आज ना हम गुची साहब प्रैंक करने वाले हैं आप देखना जब हम जाने के लिए होंगे तो सैड हो जाएगा इसको पता चल जाएगा इसको छोड़ के जा रहे हैं हम इसको बता नहीं रहे कि तू भी चल रहा है हमारे साथ। और ये क्या करेगा जब वहां जाके जिद करेगा ना गेट पे तो आज हम इसकी चलने देंगे कि चल बेटा तू। बहन तू क्यों लेट कर रही है यार? यार सब चलेंगे मैं भी चलूंगी। तू चल ना आजा तू पहले चल तभी सब चलेंगे। आजा ये दवाइयों का बॉक्स कौन लेके जा रहे हैं हम? ले तू विटामिन सी का। अरे यार बहन बस तेरी विटामिन सी खत्म नहीं भाई डेली का इसका पता नहीं विटामिन सी का कहां से ये क्या कहीं डिस्काउंट पे मिल गया क्या तेरे को? पूरे घर को लाके इसने बांट दिया और सबको डेली विटामिन सी खिलाती है। गाइस हम ट्रिप के लिए लेट हो रहे हैं। वाह पावर आ गई मेरे पास पावर के लिए नहीं है लखनऊ। अब देखना अब असली ड्रामा होगा। चलो जा एक बार कर इसको छोड़ेंगे ना फिर इसको जिद इसकी आज मानेंगे फिर हम ये पकड़ लो अभी। चलो भाई हम तो जा रहे हैं फिर बाय मुझे अपना ध्यान रखना बेबी ओके घर के लिए ये देखना जिद करने लगेगा। चलो नीतू चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो गुची को पता नहीं चलना चाहिए कि हम जा रहे हैं। या नो गुची नो नो ब्राउनी को पकड़ दो। नो 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 चल नीतू चल यार हम चल रहे हैं। दीदी तू उसको पकड़ लियो ठीक है गुची को पकड़ने के लिए लो इसको इसको कोई पकड़ो नो छोड़ो ये रात तो गेम बजाना पड़ेगा। बाय डूची
नुची ओ देखो 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 कैसा कर रहा है, रो रहा है। चल भाई वो डूची भी जाएगा भाई आज। क्या हुआ? जल्दी आ, चलो 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 भाई इसको बिठाओ, ये भी जाएगा आज। गुची ने खुद ने डिसाइड कर लिया है। चलो गाड़ी 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 गाड़ी, ये आ जा इधर आ, जा रहे हम लोग। तो यहाँ पर बेड तैयार है, नीतू और दीदी दोनों यहाँ सोते हुए जाएंगे, मैं आगे जाऊंगा, गुची और टेडी भी यहीं पर होंगे। अरे आ जा यार, आगे क्यों जा रहा है भाई, आना बहन। टेडी और वो दोनों यहाँ है, तू चली जा इस गाड़ी में बैठ जा के ना, जितनी नीतू आ रही है। लगा मैं उन्हें संभाल नहीं सकती हूँ अकेले यार। तू आराम से बैठ जा, मैं कह रहा हूँ तेरे को। सो गाइस फुल टीम लखनी तैयार। यार यार जोश नहीं दिख रहा, कैसे ढुल लोग हो यार मेरे अंदर। देखो नीतू भी निकल गई यहाँ से, कैसे कोई आया नहीं तुम भाई, मैं तो ना के हूँ, मुझे काउंट मत करो अपने। चलो 3, 2, 1, ओए लखनी। चलो लेट्स गो गाइस, ट्रिप अपनी स्टार्ट होती है। गाइस घर से निकलते हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली है जो कि अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी है कि मुझे पता चला कि मेरा बैग वहीं रह गया है, जो मैं वो गुची वाला बैग कैरी करता हूँ अपने साथ, उसमें मेरा पावर बैंक था, मेरा वॉलेट था और फ़ोन था एक। उस फ़ोन की तो नीड है नहीं, और वैसे भी ठीक है यार, थोड़ा सा ऑफ टाइम मिल जाएगा मेरे को फ़ोन से अलग, और वॉलेट घर पर रह गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पेमेंट सारा। बहुत तेज हो रहे हैं, कई बार जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, याद रखना आप। गुची कितना आराम से बैठे। हेलो ब्राउनी, गुची को बोला ब्राउनी को लो तो चिढ़ जाता है। अच्छा और यहाँ पर मैं और बोनी है, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ? और तो ये क्या कहते कि हम कैसे जाएंगे एक गाड़ी में ना, ये दोनों भी होंगे जगह। अब तू पता इससे कंफर्टेबल जा सकती थी ट्रिप पे, मानती भी नहीं यार, नहीं क्या जानती नहीं। भी नहीं मानती भी नहीं। ये गाड़ी में बात कर रही है, आराम से सोते हुए जाओ हिंदी दी, और हम दोनों हक करेंगे। आओ नहीं नहीं मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूंगी। क्यों? मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैंने ये नोटिस करा है। तो एक काम करो उसके ऊपर जाओ। तुम्हारे पास आ रहा है? हां आ जाओ। अच्छा नहीं आ रहा, वो डर रहा है। आ रहा है, वो डर गया था। अब मेरा बेटा वो मम्मा के पास रहेगा। क्या देख रहा है बेटा, क्या देख रहा है? ओह माय गॉड, यहाँ तो हमें तुषार जी मिले। आप तुषार हो ना? पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। जा रहे हो क्या? हाँ रामनगर जा रहे हैं। आप भी वहीं जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं भाई साहब, कोई सी भी गाड़ी में जगह बना लो। भाई तुषार हमें मिल चुका है यहाँ पे, हम कहाँ पर आ गए? गाजियाबाद वाले टोल पे। गाजियाबाद हूँ। ठीक है रोहित भाई, साथ बैठा रहे क्या रोहित भाई तुम्हारे? नहीं और अभी जगह ये भाई वो भाभी सो गई है। कह रहा भाई भाभी सो गई है। इनके कम्युनिटी पोस्ट पर 6000 लाइक हो गए ना, तो इनका जुकाम ही चला गया। लखनी बीटीएस देखना। तो अब हमारी टीम कंप्लीट हो गई, तुषार भी आ गया और वहाँ पे मैं किसी स्पेशल इंसान से आपको मिलवाने वाला हूँ आज। बेचारा हमारा सोया नहीं है, ना ही सैंडी सोया, लेकिन तब भी हमारा पुनीत ड्राइव करना है। आंखें देखो लाल, दिखा रहे अपनी आंखें। मेरी लाल हो रही है सच में? हां तभी तो मैंने तुमको ज्यादा नहीं डांटा भी। गाइस पहले सबसे पहले ड्यूटी इन दोनों को घुमाना, इनको टॉयलेट पॉटी कराना, उसके बाद चलेंगे कुछ खाने। नीतू ने वैसे कुछ ऑर्डर कर ही लिया होगा। सो गाइस उन दोनों को टॉयलेट पॉटी करा के बाहर छोड़ दिया, हैंड वॉश करके मैं अंदर आ गया हूं। ऑर्डर कर दिया नीतू ने कुछ? क्या करा है? दाल तड़का दिया? दाल तड़का तो मैं खाने वाला हूं, यहां का दाल तड़का बहुत अच्छा है, यहां का पनीर भी अच्छा है। मटर मशरूम चपाती राइस और पनीर यार, पनीर बहुत अच्छा है यहां का, कढ़ाई पनीर। दो कढ़ाई पनीर बोल देता हूं, ओवर मत मांगना क्योंकि तुमने खाना बनाया। तुझे कुछ लेना है? पाव भाजी। ठीक है ठीक है। वेल डन भाई, वेल डन। ये रोहित हमारा। अच्छा तूने शॉट ले लिया? शॉट मैंने कुछ नहीं लिया। तो गाइज अपना खाना यहाँ पर हो गया, लंच बहुत हमने हल्का सा करा है ताकि बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगे वहाँ जाते टाइम, क्योंकि दीदी ने हमारे लिए कुछ बना रखा है पहाड़ी खाना स्पेशली। गुची को देखो, गुची को हमने घुमा भी दिया और गुची बहुत बेचैन था, हम समझ गए थे उसको टॉयलेट या पॉटी जाना है। दीदी ने कुछ अपने लिए लिया है, गुची वही देखने गया क्या चीज़ है। भाई मत आ गए यार, गुची क्या है तेरे को यार? गुची बेटू उधर बैठा आराम से।
अरे पुनीत टॉवल गीली कर रहा है, नीतू को उनके पैर साफ करने होंगे दोनों के। क्या हो गया? ये कोकोनट वाले जो हम बचपन में खाया करते थे यार, एक खा के ना मन करता खाते हो। और इससे पता है ऑयली होता है ये, इससे स्किन पे वो निकलेंगे तुम्हारे पिंपल दोनों के, देख लियो। इसको ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे कर ऐसे कर, देख कितना ऑयल निकलेगा इसमें से। आ गया समझ? नहीं ऑयल तो खा जा फिर पता चलेगा तेरे को। हमारे हमारे टैडी देखो आप, अब टैडी के हाथ पैर सब पोछे जा रहे हैं। तेदू हम तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ क्या ये क्या है, डस्टबिन में फेंकवाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी बाहर फेंक दे, क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी तू है? अरे उसका मतलब जो भी है मैं उसको गलत तरीके से पेश करूंगा, ये समझ? ले भाई ले, भाई सुनो ना बहन, इसको डस्टबिन में फेंकना यार, मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ तुम कितने प्रतिशत अच्छे हो। पैसा मांगा था ये दिया, ये पैसा ही ध्यान से देख। पहले थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं जहाँ पर आया हूँ ये है मेरी दीदी श्वेता मासीवाल, इनका नाम है, और दीदी मुंबई रहती है, यहाँ पे रहती है, दोनों जगह घर हैं दीदी के, और हमारी दीदी रामनगर की है। तो रामनगर में दीदी वाले राम मतलब दीदी के रामनगर वाले घर में पहली बार आ रहा हूँ, मुंबई वाले में काफ़ी बार मैं गया हूँ। पानी दे रहा हूँ मैं दीदी के बारे में बता रहा हूँ कुछ, और दीदी एक बार हमारे घर भी आई है। तू एक बार मिली है दीदी से अभी तक? मैं दीदी से दो बार मिली, करवा चौथ पर भी आई हूँ। और दूसरी बार कहाँ मिली है? पहली बार बिला आई थी। हाँ, पहली बार विला पर आई थी, दूसरी बार हाँ वहाँ पर आई थी। ओके तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था तो मैं दीदी घर बहुत जाता था, दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती थी वहाँ पे, और हमारी दीदी के बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो कि आपको भी पता चल जाएगा। तो दीदी के रामनगर वाले घर पहली बार आया हूँ, यहाँ आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले जाना चाहिए भाई, बहुत सुंदर जगह है। वो हाँ वो कुछ ले तो ले, यहीं यहीं रोकना साइड में जरा, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। अरे दीदी खा लेंगी ना यार, तू नहीं खाती तो दीदी भी नहीं खाएंगी यार, कुछ लेके चलना है, और क्योंकि हम बहुत जल्दी चल दिए थे घर से तो कुछ लेने का टाइम ही नहीं मिला। टेडी और गुची को सबसे पहले, अरे आगे लगाओ यार, आगे बीच रोड पे मत लगाओ भाई। कैसे दिए स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 140 की पाव। हाँ 140 की पाव। पाव क्या होता है? इसको खिलाओ, इसको खा के टेस्ट कर भाई, बता कैसी है। अच्छा नमक भी लगा के देते हो, ज़्यादा नहीं लगा दिया कुछ, खा जाए पूरा, अच्छा है सच में, अच्छी है। ठीक है भाई दे दो। भाई तुषार ने पास कर दिया। भाई अच्छी अच्छी देना, हम मुझे एक्चुअली पहचान भी नहीं है स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी खट्टी होती है, इससे मीठी तो मांग नहीं सकता। वाह यार देखो कितना फ्रेश पानी आ रहा है यहाँ से, ये पूरा पहाड़ों पे से आ रहा होगा पक्का। ये जगह बड़ी सुंदर है भाई, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, हमारी दीदी तो जन्नत जगह रहती है। हाँ भाई तुझे मैंने फोन किया था, सो रहा था उस टाइम पे भैया, बस 5 मिनट हुए होंगे सोते हुए, फिर मैंने फोन कर दिया, उठा ही दिया। तो कितनी गाली दी तूने मेरे को फिर उसके बाद? क्यों दूंगा यार, मतलब मन ही मन में कोसना, गाली वही नहीं होती भाई, गाली होता कोसना भी तो होता है। अरे ऐसा कुछ कोसता तो तू बहुत है मेरे को, ऐसा नहीं ऐसा तो अच्छा है। क्या 1 किलो ले ली? ठीक है सुनो, ए इसमें हाथ पत मार देना कोई सा, दीदी के लिए मैंने, ठीक है? अगर अगर खानी हो तुम लोगों को तो अलग से ले लो, दीदी वाले में हाथ मत घुसाना कोई। वैसे भी हम घर पहुंच ही रहे, दीदी ने काफ़ी सारा खाना बनाया हुआ, स्ट्रॉबेरी से पेट भर लेंगे, वरना भाई यहाँ पे UPI नहीं चलता, कैश चाहिए। मैं तो फंस जाता अकेला आता तो, नीतू से ले गया। अब 500 रुपये की वैसे करा ली मैंने। कोई कैश मांगता है तो ऐसा लगता है मुझसे किडनी मांग ली है। बात तो सही है। अरे भाई 500 रुपये दे, कैश चाहिए वहाँ। उसने कैश मांगा, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या मांग लिया मेरे से। अरे दीदी खुश हो गया, चले उतरे दीदी, पहुंच गए रामनगर के मेन मार्केट मेन जगह पर है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था रामनगर, क्योंकि हम रामनगर निकले हैं यहाँ से, आए नहीं है। ब्राउनी
ब्राउनी को तो ले लो रोहित, ब्राउनी को ले लेना, ओपन करना ये डोर, ओपन करना डोर, ओपन करो। हेलो चलो भैया चलो चलो, मैं जहाँ भी उतर रहा हूँ ना। नमस्ते, हेलो, हाय। अंदर एक और खूंखार बैठा हुआ है, उसको पहले पता चल गया कोई आ गया है। हाय, इसका जुकाम ठीक है? हाय, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हो? कितना पतला हो? फाइन। चलो पानी की दीदी से मिल लिए। फाइनली, आई नो राइट? कैसे हो आप? ठीक है? हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। हाँ सुधीर, सुधीर ट्रीट रखी ना लेकर आई उसको देने। हेलो, ये श्वेता दीदी है। हाय, वी मेट बिफोर। हेलो दीदी, ये मेरी मैनेजर है। अच्छा, ओके, ठीक है, नाइस टू मीट यू दीदी। ये दिव्या दीदी, और इसको तो आप जानते होंगे। मैंने यार कैसे पता होता है, मतलब मैं वो वाला नाम बोलूं जो लखन लेता है, तो वो मैं नहीं लूंगी। कंजी वो नहीं लूंगी। और ये दीदी हमारे नया नया जोड़ा, दूल्हा दुल्हन का, बोरे दुल्हन बोरे। How does it feel to be married? और अरे मैं दूल्हे को ढूंढ रहा हूँ, दूल्हा पीछे है। या तो ठीक, वो सुबह वो बात हो रही है कि कल के क्या अरेंजमेंट्स हैं। नहीं बोलता कल के है, मैंने कहा इसको जुकाम चढ़ गया। गाइस दीदी ओके, अब हमारे लिए बना है पहाड़ी खाना। हाँ, अच्छा वो और भी ज्यादा बढ़िया है। ओके, वो 15 मिनट दूर है यहाँ से। 15 मिनट आपने किया हुआ है ना बाहर? ये सर ये दीदी का लगा हूं ना मैं यहां पे। मेरी आर्टिस्ट है। अरे आते ही सीधा खाना। हां मैं बहुत बार गरम कर चुकी हूं, थक चुकी हूं। अच्छा दीदी मुझे अच्छे से जानती हैं, और नीतू मैंने एक शॉर्टकट सिखाया है, जब भी कढ़ी बना रहे हो ना पकौड़ी मत डालना, बूंदी डालकर भी कढ़ी बन सकती है। अच्छा ठीक है, मैं बनाती थी मगर बोल दूंगी। और नीतू का आज नीतू प्रॉपर पहाड़ी खाना भाई, प्रॉपर पहाड़ी की चटनी है, रायता है। नीतू को देखते क्या क्या पहचान है। अच्छा ये पनीर की सब्जी तो पनीर है। ये काप है नहीं, ये है, ये पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी बताओ क्या क्या है। अब आपने बता दो दिया, ये कड़ी है और ये डुबू के नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ये झोई है, ये झोई। थैंक यू। ये अरबी है ना? वाह नीतू, बिल्कुल वो साउंड कर रही है कि दिस इज कोरिएंडर। आई नो ये आलू के गुटके है। अच्छा आलू के गुटके मतलब दीदी? हमारे वहाँ आलू को ना जब गुटके बना देते हैं लोगों के वहाँ ये सब्जी होती है, हमारे वहाँ दिस इज अ स्नैक, इसको हम भांग की चटनी के साथ खाते हैं। तो दीदी हो गया ना। और ये पहाड़ी नमक, लहसुन का पिसी नूड बोलते हैं। चलो आ जाओ स्टार्ट। और ये है पालक की पूरी, और ये डुबक। किसको पे टेस्टी लगता है? पूरम को अच्छा लगता होगा? नहीं हम सबको अच्छा लगता है। लखन को खिलाया है? नहीं इसने डुबक नहीं खाया, लखन जब बॉम्बे आया था, लखन को था कि कांसे की प्लेट पे क्यों खाते हैं, तो मैंने लखन को ज्ञान दिया था कि इससे जो त्रिदोष है लाइक वाच पे ना तो गैस होगी ना एसिडिटी होगी, जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में वो सॉर्ट आउट हो जाती है। सो वो प्लेट आज है लखन, यू रिकॉग्नाइज द कांसे का प्लेट? अपने व्यूअर्स को भी बता रहा था कि मेरी दीदी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दो प्लीज एक बार। दीदी हमारी आरजे भी रह चुकी है, आरजे रह चुकी हूँ, एड फिल्म प्रोड्यूसर रह चुकी हूँ, उसके बाद गुस्से गुस्से में इलेक्शन भी लड़ लिया, एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेडिकल कैंप्स कर लिए कि मैं सीटी स्कैन पढ़ने लगी थी, तो कंपाउंडर टाइप तो बन जाऊंगी जो अच्छा हो जाएगा। तो ये है, और अभी टैरो रीडिंग कर लेती हूँ और खेती कर लेती हूँ, दीदी बीच बीच में सोप बनाती थी। हाँ, सोप है। और आपको याद होगा मैंने एक ऑरा हीलिंग के लिए बताया था व्लॉग में, हाँ। वो भी हमारे गुरुजी ने हमको बताया था ऑरा, हाँ। कैसे हील करना है अपना। आ नहीं रही स्मेल अच्छी पहले ऑरा, वो कैंडल देख के मैं समझ गया, कैंडल नहीं कपूर भी जल रहा होगा, ये वेटेवर वाटर है, सारी चीजें, क्योंकि जब आप बहुत खाली होते हैं लाइफ में तो आप यही सब करते रहते हैं, दिन काटना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप खाली नहीं होते, आप इतने ज्यादा क्रिएटिव, कुछ ना कुछ जगह आपके। अच्छा सफारी कब चलना है? जब आप कब? हम तो दिन कल चले, कल मॉर्निंग की सफारी बुक करते हैं। ठीक है।
बोल दिया मेरे को यार देखो यार छोटी ही है लखन नाउ यू मैरिड गेट हाउ आर यू आई एम गुड व्हाट्स योर नेम रिया पंत ओह डू यू नो ऑल ऑफ देम हु इज शी यू वाज नीतो मी टू यू लाइक हर you like Neetu more or like guys were main to Neetu na sabhi photos pehle to like karti hu puri video dekh ke acha aise kyun karte ho lekin aap to jab dono bahut pasand hai are wah aao ek hath tak pyar sa aap shorts kiske dekhte ho like Neetu nahi sabse main shorts kiske dekhte ho aap Neetu ke ye last time aaye thi na yaar re aap lahtu uncle hai wo Neetu hi hai बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है यस हाउ इज द फूड तारीफ करो मेरी बहना की हां सारे तारीफ करो और ये पूरा प्रॉपर पहाड़ी खाना दिया भी उसमें दीदी ये तांबे की प्लेट है ना इसको तांबा बोलेंगे कासा दोनों में क्या फर्क है दीदी मेटल अलग अलग है कासे से बाद में कफ बैलेंस रहता है पहाड़ में हमारे वहाँ देते ही ये और वो कलसी जो है ना वो जब साली बारात आ रही होती है तो ये सर पे गगरी रखते हैं अच्छा पहले का क्या होता था नीतू की दादी के टाइम की बात होगी ये जब सुबह सुबह 4 बजे शिव मंदिर होता था वहाँ एक नौला होता था माघ के महीने में नौला क्या दीदी नौला इज लाइक जो वाटर सोर्स रियल वाटर सोर्स तो मेरी नानी के एज की जो लेडीज थी वो गगरी लेके जाएगी साफ करके नौले में नहाएंगी शिव जी को जल चढ़ाएंगी 4 o'clock इन द मॉर्निंग तो मम्मी बताती है रानी के नैनीताल में नल जमा होता था तो आग जलाते थे उससे जो वो बर्फ का वो हटता था क्लॉट और फिर पानी आता था इमेजिन इतनी ज्यादा और यहाँ तो वैसे भी ठंड कितनी रहती है ना तो जमा रहता हम तो नैनीताल हमारी जनरेशन हफ्ते में हाँ। आती थी अच्छा। आप भी नहीं हो दीदी हाँ हफ्ते में एक बार नैनीताल यार बहुत ठंडा होता था और बचपन से घर वाले बिगाड़ते थे ब्रांडी तलवों पे लगाते हैं एक ढक्कन मैंने पिला के सुला देते हैं तुम लोगों के साथ भी हुआ क्या नहीं पापा ने एक बार पिलाई थी बस झूठ बोल रहे हैं सब सबके साथ अभी आपको ठीक लग रहा है हमें ठीक अभी भी नहीं लग रहा है हमें ठंडी लगती है और गर्मियों में जब आप लोग आओगे तूने किया इनमें से कुछ ऐसा नदी किनारे ऐसे पैर रख के उसमें और खाने नहीं आती तो थी महीने महीने रह के जाती थी अपने गाँव में 20 दिन 15 दिन हम लोग करते रहते हम लोग वहीं पर रहते हैं ये तो वाला हिसाब होता था जो जैसे दिल्ली वैली से बच्चे आते थे तो इनसे होता था कि अंग्रेजी बोलनी आती है अच्छा अरे खाओ यार खाओ ना प्लीज खा रही हूँ बस मैं रायता खाऊंगी यार गाइस अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाने वाला हूँ जो कि है मेरी दीदी का मेडिटेशन रूम और ये आप देख सकते हो शिव जी का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा फोटो था ये मंदिर हमारे वहाँ पहाड़ में कहते हैं ये लकड़ी जो है इसको रखते हैं हमेशा पास इससे भूत प्रेत कुछ नहीं ओके तो ये किसी स्पेशल चीज की होती दीदी हाँ कोई वैसी लकड़ी होती है मम्मी के टाइम से रखी हुई और ये हमारे वहाँ जो देवी देवता है शिव की कोरोच वो होता है ये रिद्धि सिद्धि है इनकी मूर्ति आपने इंडिया में कहीं नहीं देखी रिद्धि या सिद्धि एंड ये मैं ना बचपन से कृष्ण जी की भक्ति थी तो मैं कन्हैया चोर लाती थी तो सब चोरी करेगा कन्हैया अच्छा से हनुमान जी मैं लेके आई थी ये बगला मुखी की वगैरह है रोज यहाँ पे पूजा होती है ये गोलजू देवता न्याय के देवता ये इसकी कहानी आपको दिलाऊंगी ये लाइफ में आपको जस्टिस दिला के रहूंगी अच्छा पानी दीदी सुनाएंगे आप सुनाना प्लीज मैं सुना भाई लाइफ में ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आपके आसपास होने चाहिए और स्पिरिचुअल भी है साथ में दीदी ओके सबसे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताऊंगा हमारी दीदी ने एक एक्चुअली दीदी बहुत सा टैरो रीड करती है शी इज अमेजिंग इनकी जो मेडिटेशन है ये देखो मैं इनके बताती हूँ क्या होता है इनका मंत्र होता है ओम तारे तुत तारे शी इज रेडी वेटिंग टू कम एंड ब्लेस यू ये वेट करते हैं कि मेरा आह्वान करो और मैं आपको ब्लेस करने के लिए ओके तो जैसे ही आप किसी बहुत वैसी प्रॉब्लम में होते हो ना तो ग्रीन तारे मंत्र ओके मंत्र को बोलो और इससे एक्चुअली मैं आपको मैसेजेस दे रहा ये जो गाजियाबाद के गुरु जी है ना हाँ जी मुझे अंतर दिया हुआ है Okay. इसको गंगा जल में रखती हूँ मैं इससे आई थिंक मेरी थोड़ी पावर्स अच्छी होती है दीज आर द क्रिस्टल्स ये मैंने आप लोगों को भी बनाए हुए जो आपने बताया था मेरे को ये मैंने फिर भेजे नहीं मैंने कहा मैं खुद दूंगी दीज आर माई टैरोस एंड इनको मैं बहुत प्रे करती हूँ ये मेरी बेल्स हैं ये मून की बेल है कल रात में वहाँ पर करी थी तो वो वाली शायद बाहर की होगी
मेरा पूरा रूम थोड़ा सा ओ सॉरी दीदी, मैं आपके बेडरूम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से। सो गाइस, हमारी दीदी ना टैरो रीड करती हैं और फ्री में करती हैं। मतलब दीदी ने पहले आप ये सुनो, वेरी इसमें पानी डालोगे ना तो वाटर चैनलाइज हो जाता है, रात को ही करेंगे, इससे इंसोम्निया हील होता है, इससे एंजाइटी दूर हो जाती है। मतलब मैंने 12 साल दवाइयाँ खाई हैं, इन चीज़ों ने मुझे ठीक किया है। एक्चुअली चक्रा बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, इन चीज़ों के पास आ जाओ ना तो बस लाइफ सेट हो जाती है। एज यू कैन सी पूरा रूम टी लेंटर को। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ हमारी दीदी क्या करती है ना, हील करती हैं। जब मैं भी बहुत ज़्यादा गंदे फेस से था तो दीदी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और दीदी का चैनल है जहाँ पे वो टैरो रीड करती है। आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है आपको नहीं बताना, और कोई कोई पैसे नहीं लेती है दीदी। दीदी करती है क्योंकि दीदी को सोशल वर्क करना अच्छा लगता है कुछ ना कुछ। तो आप इनके चैनल पे जाना, और आप सिर्फ जाके अगर आप लकी हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपको चूज़ किया, तो दीदी आपको सब कुछ बताएगी विद सॉल्यूशंस। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो मैं दीदी का चैनल का लिंक यहाँ डाल दूंगा, नाम मैं बता देता हूँ, बाखली उत्तराखंड, बाखली हील। दीदी आपके चैनल का नाम बाखली हील है ना? ओके, नाम चेंज कर दिया भाई, श्वेतास बाखली। कहीं आप सर्च करते फिर बाद में आप मेरे को बोलते। अब जाना, और अगर आपकी हेल्प हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी दीदी तो खुशी खुशी सबकी हेल्प करती है। कुछ गिरा क्या आते में? मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसे। थैंक यू। चाय गिराने पहली बार फूल मिला है मेरे को। अच्छा होता है चाय गिराना। क्या दीदी यार, फूल मिला है, अब ये समझ लो कितना अच्छा होता है। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे से ना गर्म चाय पी नहीं जाती, बड़ा पंगा है मेरे साथ। चाय भी पसंद है, गर्म भी नहीं पीनी। मैं पता कैसी चाय पीता हूं, मेरी सुबह बैठती है, चाय पी ले, मेरी सुबह बैठती है ऐसी होती है, मैं सो रहा हूं, मम्मी मेरी चाय लेके आती है, मुझे चाय पिलाएगी एक बारी में। ठंडी पीते हो क्या भाई? बिल्कुल गुड। नहीं मैं बिल्कुल ठंडी तो, लेकिन ठंडी पीता हूं। ये रिया ने देखो क्या लिखा है, थैंक यू रिया। ये मेरे लिए है ना? हाँ। और चॉकलेट भी? हाँ। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू। एक मेरे लिए भी है, वाओ। पता है मेरे को पता क्या, मेरे को तो ऐसा हगी करो, आप किस नहीं करोगे? Yes, thank you. ये इसने अभी आने से पहले 15 मिनट में बनाया। अच्छा, तो इसने नीचे वो ग्रास जो ग्रीन ग्रीन कलर कर ली, मैंने कहा उनके पैरों को ग्रीन क्यों कर दी, क्योंकि वो यहाँ oh, ये भी बनाया है इसने। ये इसने पूरा खुद बनाया, मैंने कुछ नहीं करा है। I'm not done anything in this. So pretty. मम्मा ने ना सिर्फ ये सब किया, कलर करा है। वाओ रिया, पहले लखन को भी ना पिंक में लग गया था। नहीं नीतू को मैं पिंक की पसंद आता वैसे। मैंने फिर उसको थोड़ा सा कलर चेंज करा। फर्स्ट टाइम मिला ऐसा लगी ना, फर्स्ट टाइम मतलब बोल दिया सच में। अरे किसी का फोन आया और कहते हैं कि गेस्ट आए घर पे, वाह अब मैं गेस्ट में आ गया हूँ। अब इट्स अ वेरी शूट, मतलब वो उसमें ऑफ रोडिंग। अच्छा सुन ना, तुम ये तीनों को पीछे बिठा, मैं और तू। अच्छा नहीं नहीं दीदी, दीदी प्लीज आप आ जाना कुछ नहीं। मैं तो आ रही हूं, मतलब आप स्टे करने वाली हो ना? हाँ हाँ, मैं नहीं स्टे का मतलब ये है, मैं रूम खुलवाया है वहाँ पे, 12-1 बजे तक मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि सुबह रात में आओगे टाइगर नहीं मिल जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मिले मुझे, मुझे क्यों रोक रहे हो घर पे? बाय से बाय, मैं तो आपसे कल फिर से मिल रहा हूँ। तो अब मुझे बोला गया है कि मैं खुद से ड्राइव करूँ, क्योंकि बहुत सुंदर लोकेशन आने वाली है। इन तीनों कन्याओं को हमने, तू पीछे बैठी है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं ना? ओके, ये तीन कन्या पीछे बैठी है, पूनम मैं आगे बैठेंगी और मैं ड्राइव करूंगा। गाइस एक बार आप रास्ता देखो, एकदम सुनसान सा रास्ता है। क्या हुआ देख लियो, ये खोल देता है इसको शीशे को, देखो कितना केयर कर रही है दूची की बुआ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड रामनगर जिम कॉर्बेट। हाँ बस पहुंचने वाले, अभी रास्ते वाले रास्ते में, और अंधेरा हो चुका है। और रोहित भाई को डर लग रहा है शेर से। नहीं, रोहित भाई कह रहे हैं कि अगर शेर मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा, पूछ रहे हैं। तो भाई शेर ही करेगा जो करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो और भाई रास्ता देखो, यहाँ का रास्ता, रास्ता देखो भाई, रास्ते का नाम भी है द बाग। हाँ ये देखो भाई, ये देखो, ये आगे गाड़ी है और पीछे भी हमारी गाड़ी है, सारी गाड़ी गाड़ी है, गाड़िया गाड़ियाँ, हम लोगों ने घेर रखा है सब कुछ यहाँ पे, तो ये लगा लो, जाम होगा तो हमारी वजह से होगा, है ना, सब होगा। तो पहुंच चुके हैं, अभी हम रिसॉर्ट पे पहुंचने वाले हैं, देवभूमि उत्तराखंड, और मेरा गला बैठ चुका है तो सॉरी आवाज ऐसी भारी आएगी। और हमारे साथ वैष्णवी भी है, वो भी तो दिखा दो। वैष्णवी हेलो हेलो हेलो, कैसा है?
नमस्कार। चलो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और थोड़ा रास्ता ऐसा है कि गाड़ी फंसने का डर है। क्यों फंसेगी? थार है भाई, थार क्यों? भाई हमारी थार नहीं फंसेगी। सैंडी भाई तुम कैसी बात करते हो? पीछे वाली गाड़ी, पीछे वाली फंसेगी तो थार से खींच लेंगे ना। थार मतलब थार में बैठे और कह रहे गाड़ी फंसने का, और वो भी ट्यून में बता रहे हो अच्छे से। अच्छा मैं अपनी गाड़ी का बता दिया, थोड़ा मैं वो हॉरर टाइप का सस्पेंस कर रहा था लोगों का। कोई बात नहीं सैंडी भाई, हमारे पास है थार, वो भी नई, पहली ट्रिप हमारी यहाँ पर हो रही है। दूसरे दिन ही आ गए भाई, भैया आगे रुक गए हैं। क्या दिखा रहे हैं? लगता है जंगल भाई, में यहाँ पे जंगल में शेर आया। शेर आया, किसने देखा? शेर तो सबने देखा, जंगल में नाचा किसने देखा? मैं बता दूं, मैंने देखा। तू साथ साथ ही नाच रहा था। बैगन नहीं चंडी भाई, देखो देखो भाई, रास्ता देखो भाई। भाई ये तो दूध वाले भैया भी इधर ही है भाई, ये तो सब शेरों का दूध निकाल कर। शेरों का दूध, शेरों का दूध। वैष्णवी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी सच में। सो फ्रेंड्स, लग तो रहा है कि फाइनली पहुंच गए हम, इतना भी दूर नहीं है वैसे वहां से। पहला व्यू तो काफी सुंदर आया है। छोड़ दो इसको, बस खुले में घूम भाई। सबसे अच्छी चीज यहाँ की है कि ये पूरा क्लोज है। हाँ तो अब इसको एंजॉय करने दो। दीवार तो नहीं छूटी ना? नहीं नहीं नहीं, ये वहीं से निकलेगा। नीतू अच्छी बात सुन ले, पूरा ये क्लोज है चारों तरफ से, तो इनके लिए ठीक है, इन हमारे रुचि और ब्राउनी के लिए। पहली बार मेरे को आजाद। हाँ नहीं, मैंने एक बार इसको जयपुर में भी देखा है आजाद। तो डू जी डू जी, आज तो डूची को नहीं नहीं रोहित ऐसे इतना, क्योंकि कई बार पकड़ना तो हमें पड़ेगा ही ना, कम से कम उस तक हम पहुंच गए तो खींच तो लेंगे इसको, ऐसे ही रहने दो। सो गाइस हम लोगों ने अपना अपना सामान रख लिया, अब हम लोगों का हो रहा है हाई टी टाइम। मैंने चाय ले ली है, पकोड़े हैं यहाँ पे, रात बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ओके अब मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है, और मज़ा में डिब्बा कैसा लगा कंजी? अरे क्या कर रहे भाई भाई भाई, तू इतना एफर्ट मत डाला करो मेरे व्लॉग में ना। अरे बस बहन बस 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 गाइस, यहाँ के रियलाइज़ हो रहा है सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है। दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है ठंड चली गई है, बट भाई यहाँ देखो मैंने ये पहना हुआ है, इसके नीचे भी एक लेयर पहना हुआ है, बट अभी मैं कहाँ पर आऊँ यहाँ पे ग्रुप, जल्दी से रूम में जाके जैकेट लूंगा अपने लिए। क्या साबू ठंड लगी नहीं लगी? लग गई ना यहाँ तो भाई, पुनीत ने पहन लिया तो समझो ठंड है अच्छी वाली। तेरा रूम कहाँ है पुनीत? सो गाइज ये है हमारा रूम आप देख सकते हो, और हमारे दोनों बच्चे। यार आज तो डूजी खुल के भागा है, इतनी आजादी कितने टाइम बाद मिली है इसको। सुधीर जी कैसे हो? ये तो मैं खत्म कर दूंगा अभी। ये वॉशरूम है, हमें दो तीन ऑप्शन मिले थे, जकूजी वाला मिला था, बट क्योंकि ट्री हाउस है यहाँ से व्यू अच्छा आएगा दिन में, तो हमने ये ले लिया। ये दोनों बिल्कुल तैयार बैठे, बट हम इन्हें रूम में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यार इनका भी घूमने का टाइम है। चलो घूमो बेटा घूमो, आजाद हो तुम। और श्वेता दीदी आ चुकी है। ओ भाई गाइस यहाँ तो कुछ ज्यादा वाली ठंड है, वो यार हवा भी चल रही है यार। हाय हाय दीदी नीचे आ रहे, बहुत ठंड है यार। यार सुन तो क्या बोल रही है, कह रही अभी आग लगवा रही हूँ। भगवान गुची रो रहा है, उतर नहीं पा रहा है यहाँ से। मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ आजा डूची, बुआ ही आजा 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 बुआ जी आ गई। दीदी यहाँ तो भाई बहुत बहुत आग लगवा रही हूँ ना, मतलब मैंने कहा कहीं हाँ यार इतनी की उम्मीद नहीं थी। अपूर जी कह रहे थे थैंक यू, इसकी तो सख्त जरूरत है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन लगा दो, पनीर टिक्का, एक मशरूम टिक्का, एक क्रिस्पी कॉर्न। बैठो बैठो बैठो, अरे तू तो पहाड़ी है, तेरे को क्यों ठंड लग रही है भाई? तेरे तो जीन्स में हो गया ना इसके तैयार। दीदी हमारी दीदी को देख कितने एकदम कंफर्टेबली घूम रही है इधर से उधर। गाइस बॉन पैर में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है हमारी हमारी टीम के साउथ वालों को देख के। क्या वैष्णवी कैसा आहे, क्या बोलते हो तुम लोग, मजा आ रहा है? अच्छा हमें हमारा यह हाल हो रहा है तो भाई तुम्हारा तो मैं सोच सकता हूँ। अब मैं दिखा दो पूनम दीदी, यार हैट्स ऑफ यार। पूनम दीदी इन जून बेडरेडी में है, पूनम जून में बैठी है। डेडिकेटेड यार। आ गाइस अब यहाँ पर टैरो रीडिंग करने वाली दीदी, सबसे पहले कौन? पूनम दीदी वहां से स्टार्ट होगा ना, अकेले में करूँ आपके साथ मैं, वो भी कर दूंगी कल, कोई बात नहीं, अभी पब्लिक वाले क्वेश्चंस पूछो। हां ठीक है ना, अरे अभी जनरल वाले पूछ लो यार। जनरल क्या पूछूं,
मुझे गर्मी क्यों? अरे खुफिया लेडी कुछ तो होंगे। सबसे बेसिक थिंग इज कि मुझे आपकी एनर्जी समझ में आनी चाहिए, जरूरी नहीं आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट होके पूछें। आप बस एक फ्लो बनाइए, फिर जो एरिया आपका लाइफ का होता है जिस पे आपका चाहिए होता है उसमें। ओके गाइस, तो पहले पूनम दीदी फिर हम लोग हैं। गाइस हम लोग जैसे तैसे आके यहाँ सुकून में बैठे थे और आई डोंट नो दीदी ने क्या प्लान किया हुआ है, हमको उधर लेकर जा रही है ऊपर। दीदी चढ़ेंगे कैसे वहाँ हम कहाँ से? इधर चलियो। ओ वाओ दीदी थैंक यू यार, इतना सुंदर बनवाया हुआ यार, है ना क्यूट। दीदी से ये सच में गोली चल रही है क्या कहीं? पटाके पटाके हाथियों को अच्छा। दूर करने के। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, कितने स्वीट हो यार। नहीं हमें आज से कैसे गिफ्ट नहीं मिला ये मुझे पता था। कैसे पता था? अभी तो शुरू नहीं, जैसे जैसे बर्थडे पे या किसी बर्थडे से मैंने सब कुछ सेट कर दिया पर भाई मेरे का केक वो भी ला रहे हैं। भैया जी केक कहाँ है? दोनों में अलग अलग फ्लेवर है, उसमें जो मुझे पसंद है वो, इसमें जो नीतू को पसंद है वो। ये दीदी बाय टुकड़ा या फिर सच में ऐसे? नहीं यार मुझे जो लगा मैंने वो बनाया। चलो मसा तो आता जब मैं बोलते नीतू को पूरा का पूरा को दे दो दीदी अभी दिव्य पूनम दीदी दिव्य दीदी चलो चलो गाइस जो तो ठंड लग रही है वो खुद को पूनम दीदी ले। ओह गॉड हैप्पी एनिवर्सरी बाय। अच्छा वो मीठा नहीं आ रही है, करते रहे आप अभी भी अगस्त में हैं। मम्मी का कॉल आ रहा है रोहित को भी खिला रही थी ने पूरा खा लिया। तुषार तुषार खा लिया ना। और कौन रहता है? आप रहते हो गुची और बच्चू और प्यारा सा मेरा गुची को कभी खिलाएंगे? मेरी मम्मी से क्या करवा रही हो? मैं कर देता हूँ ना केक, मैं खा भी लूंगा। अब खाएगा, अब खाएगा। नाटक करता है बहुत। मुझे तो मुंह पे ना लगा दो तीन बार। मैं इतना ही खाना है तो मैं अब नहीं खाना। ये सच में इसकी वही वाली वाइब्स है, लाइक बैक स्क्रीन बड़ी कर रही है। गाइस दीदी ने डिवाइड करा गुची को। व्हेन आई वाज हैविंग माय स्कॉच, माय बिजनेस वाज डूइंग फेयरली वेल, नाउ आई एम ऑन अ सबैटिकल, लाइफ हैज अराइव्ड। की टॉकी उतर है आशा की ना जलन से ना किडनियां बाहर आ रही होंगी ऐसे है। मुझे छोड़ दिया है मेरी माँ अंकल। और उसको पता भी चल गया होगा हम यहाँ पे है ना, शोर मोर तो आ ही रहा होगा उसको पूरा। नहीं वो थोड़ा सा पटाखों से डरता भी है। अच्छा पहाड़ी में आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहाड़ी वाला आशीर्वाद दे दो, अच्छा सब कुछ करा हमारे। तुमको दोनों बैठ जाओ, पहाड़ी आशीर्वाद देती हूँ, चलो आ जाओ। अच्छा ये इसलिए लगवाए हैं आपने? चलो ये फोटो शूट होगा। हेलो चलो
चलो दीदी थैंक यू गुड लक आपने हमारा दिन इतना स्पेशल बनाया इतने सारे एफर्ट्स डाले थैंक यू सो मच ये केक मैंने नहीं बेक किया ये सब कराया नहीं नॉट एट ऑल आई एम सो ग्लैड यू केम हियर बहुत मुझे सच में क्योंकि मैं शादी में आ नहीं पाई थी एंड आई रियली वांटेड टू कम बट आई एम श्योर हम सारी एनिवर्सरी ऐसे ही मनाते रहेंगे और चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में चैलेंजेस को किक मार देनी चाहिए लाइफ सेलिब्रेट करनी चाहिए बट आपने कितना अच्छा कर दिया दीदी बहुत अच्छा बहुत अच्छा अभी तो कल भी है परसों सफारी भी है फिर सरसों के खेतों में मक्के की रोटी दिखाएंगे चलो थैंक यू दीदी थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच सभी को थैंक यू सुबह निकलते हैं सुबह मुझे उठ दीदी आप क्यों जा रही हो इतनी ठंड में कहाँ जाओगी यहाँ बोल तो मैं पैदल पैदल थोड़ी जा रही हूँ बाय डियर चॉपस्टिक वाली कोई नहीं दीदी का मेरे को पता है वो है क्या बोलते हैं वाक चातुरता दीदी क्या बोलते हैं वाक पटुता सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा हमारा दिन बहुत स्पेशल बना है आपने बहुत सारी विशेस दी उसके लिए थैंक यू नीतू सबको बोल दो लाइक करना मत भूलना लाइक करना मत भूलना और हमारी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारे केक्स और सोन दीदी की हग चल बाय बोलो यार चलो बाय बाय बेबी